नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। गंगा घाट में दिन दहाड़े दंपत्ति से 1 लाख लूटे, बैंक से पैसे निकाल कर जा रही थी घर, जांच में जुटी पुलिस। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के नेहरू नगर निवासी एक महिला अपने पति के साथ बैंक से 1 लाख रुपए निकाल कर घर जा रही थी, तभी राजधानी मार्ग पर पीछे से आए बदमाश सवार बदमाशों ने झपट्टा मार कर चलती स्कूटी से रुपए छीन लिए। छीना झपटी में दंपत्ति सड़क पर गिरकर घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच की। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नेहरू नगर निवासी राकेश पांडे अपनी पत्नी सुशीला के साथ बुधवार दोपहर करीब 1:15 पर राजधानी मार्ग स्थित सेंट्रल बैंक से 1 लाख रुपए निकाल कर घर जा रहे थे। जैसे ही वे राजधानी मार्ग स्थित स्टेट बैंक के सामने पहुंचे, तभी पीछे से आए बदमाश सवार दो बदमाशों ने दिन दहाड़े झपट्टा मार कर सुशीला से रुपयों से भरा थैला छीन लिया, जिससे दंपत्ति सड़क पर जा गिरे और घायल हो गए। दिन दहाड़े लूट की घटना होने से आसपास हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी गंगा घाट कोतवाल अवनीश सिंह को दी गई, जिस पर वह पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और पीड़ित से पूछताछ की। इस दौरान उन्होंने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगोले जा रहे हैं, जल्द ही लूट का खुलासा किया जाएगा। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।